नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज 25 मार्च शुरू करते हैं, 25 मार्च के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को बहुत ही प्यारे मोटिवेशन के साथ में। साथियों, यदि आपको सूरज की तरह यहां पे जगमगाना है तो पहले आपको सूरज की तरह यहां पे जलना होगा। यहां पे छोटी सी बात है कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अरे पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो खोलिए अपने पंखों को, भरी एक लंबी उड़ान जो जमाना देखना चाहता है आप लोगों के अंदर। चलिए, तो कल मैंने आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा था कि अभी हाल ही में भारत के यहाँ पे कल्चर मिनिस्टर के कल्चर मंत्रालय के द्वारा गांधी पीस पुरस्कार किसे यहाँ पे दिया जा रहा है 2020 के लिए। तो 2020 के लिए ये पुरस्कार दिया जाने वाला है बंगबंधु यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान को, और 2019 का दिया है यहाँ पे सुल्तान कबस बिन सैद अल सैद को। चलो आप देखिए, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मेरी प्रोफाइल को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं हरीश तिवारी आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी और ज्योग्राफी के सेशन दे रहा हूँ, स्पेशल सेशंस दे रहा हूँ, वो भी फ्री। तो मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, जरूर पढ़िए और बहुत कुछ आपको वहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। एज पर द एग्जामिनेशन कंसर्न ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, मैं वो सारी की सारी बातें आपको वहाँ पे डिटेल से बता रहा हूँ विथ मैपिंग एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज। ठीक हो, चलो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ में। वो आपके सामने पहला ये है कि इनमें से कौन सा दिवस है जो आज की तारीख है कि 25 मार्च को मनाया जा रहा है। तो इनमें से तीनों दिवस हैं जो आज मनाए जाते हैं, यहाँ पे ग्रीक इंडिपेंडेंस डे भी है, इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड भी है और इंटरनेशनल वेफल डे भी है। ये सारे के सारे दिवस हैं जो आज के दिन मनाए जा रहे हैं। यस, जो ग्रीस है वो आज के दिन यहाँ पे आज़ाद हुआ था मेरे साथियों। यस, हम जब बात कर देखिए तो आज ही यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड है। आपको बता दूँ कि ये सब जो डेज है ना, इनके कुछ ज़्यादा थीम्स नहीं है, तो आपको एज अ पॉइंट ऑफ व्यू पता होनी चाहिए आप, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स के दौरान आपको पता होना चाहिए कि कल यहाँ पे कौन सा दिन था, आज यहाँ पे कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन हो सकता है। भले ही एग्जामिनेशन मैंने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो सकती है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन हैं ये बहुत अच्छे हैं। चलो, इसी तरह से आज यहाँ पे इंटरनेशनल वेफल डे और यहाँ पे इसे मनाते हैं 25 मार्च को, यानी कि आज के दिन में ही। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने किमाया के द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसका लोकार्पण किया है, उस किताब का नाम क्या है। तो उस किताब का नाम है माय ओन लिटिल वर्ल्ड। यस, तो यहाँ पे कल 24 मार्च को रात के 9:30 के आसपास यहाँ पे लोकार्पण किया गया इस किताब का, जिसका नाम है माय ओन लिटिल वर्ल्ड, और ये लॉन्च किया यहाँ पे नितिन गडकरी जी ने, जो लिखी गई यहाँ पे मिस किमाया के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कोस्टल सिक्योरिटी के लिए किस शिप को कमीशन किया गया है। तो इसका आंसर है INS वज्र। यस, तो INS वज्र को यहां पे कमीशन किया गया है टू स्ट्रेथन कोस्टल सिक्योरिटी, और ये शामिल की गई है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। आप यहां पे एक ऑफिशियल ट्वीट है जो देख पाएंगे यहां पे डीजी के द्वारा, इनके डीजी के द्वारा, तो इनके जो डीजी हैं नटराजन जी, के नटराजन जी, तो उनका एक ऑफिशियल ट्वीट है जिन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे अपने तट रक्षक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक हमारे पास यहाँ पे देखिए ऑफशोर पेट्रोल जो वेजल है जिसे बोलते हैं OPV, वो शामिल की गई है, जिसका नाम है INS वज्र, और INS वज्र को यहाँ पे बनाया है L&T कंपनी ने, और इसे शामिल किया गया यहाँ पे चेन्नई के डॉकयार्ड से या चेन्नई के पोर्ट पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अभी हाल ही में भारत के दो क्षेत्र हैं जो यहाँ पे TB मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो दो क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला है लक्षद्वीप और दूसरा है जम्मू कश्मीर का एक जिला। यस, तो आप देख पाएंगे कि लक्षद्वीप एंड द डिस्ट्रिक्ट बड़गम इन यहाँ पे जम्मू कश्मीर डिक्लेयर टीबी फ्री। कल यहाँ पे कल जो मैं बात करता हूँ 24 मार्च की, तो 24 मार्च को था यहाँ पे विश्व टीबी दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, और उसी उपलक्ष्य में जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट की है कि यहाँ पे भारत के दो क्षेत्र हैं जो इस बार टीबी मुक्त कर दिए गए हैं। वैसे पता होना चाहिए आपको कि भारत में टीबी की समस्या छोटी मोटी नहीं है, विश्व भर के 30% के आसपास जो टीबी पेशेंट है वो भारत में ही है, और भारत का ये लक्ष्य है कि टू मेक भारत टीबी मुक्त बाय 2025, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है भारत की सरकार का। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 24 मार्च 2021, क्योंकि मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल शाम को ये योजना सामने आई है, तो 24 मार्च 2021 को यहाँ पे किस गांव के अंदर ग्राम उजाला प्रोग्राम है उसे लॉन्च किया गया है, कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर है वाराणसी से। यस, तो मैं बता दूं, देखिए कि यहाँ पे मिंट का एक आर्टिकल है जो मैंने लिया है कि तो ग्राम उजाला स्कीम लॉन्च्ड फ्रॉम द पीएम मोदी, जिनका पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी।
तो वाराणसी से ये जो योजना है ग्राम उजाला स्कीम, इसे लॉन्च किया गया। आपको बता दूं मेरे साथियों, पहले फेज के अंदर 15 मिलियन जो एलईडी बल्ब्स हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और ये क्रॉस की जाएंगे यहाँ पे आरा से जो पड़ता है बिहार में, ये किया जाएगा वाराणसी से, और विजयवाड़ा जो पड़ता है आंध्र प्रदेश में, नागपुर महाराष्ट्र में, और पश्चिमी गुजरात के क्षेत्र में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पहले क्षेत्र के अंदर, पहले फेज के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आप यहां पे देख पाएंगे, तो यहां पे आप देख पाएंगे बेटा, देखिए साथी कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं राजकीय सिंह जी, तो राजकीय सिंह जी ने इसका जो लॉन्चिंग की है ग्राम उजाला योजना की, वो की है वाराणसी से, और जिसके अंदर यहां पे 6150 डिस्ट्रीब्यूशन है जो मार्क किए जा रहे हैं टोटली और पहले फेज के अंदर। अच्छा, अगर मैं बात करूं ये जो स्कीम है ये किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो आंसर यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और ये इसके ऑफिस होल्डर पे आरके सिंह जी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पिरिट्स में इंडिपेंडेंट चार्ज में, सोलर डिपार्टमेंट इन्हीं के अधीन आता है, हेडक्वार्टर कहां पे, नई दिल्ली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसके लिए आधिकारिक तौर पर किसे यहां पे ऑफिशियल पार्टनर चुना गया है 2021 के लिए, तो इसका सही आंसर है पे न्यू टाटा सफारी को। यस, तो न्यू टाटा सफारी को यहां पे ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है आईपीएल 2021 के लिए, आईपीएल 2021 के लिए। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, करंट में ये क्वेश्चंस बनते रहते हैं बहुत ज्यादा। देखिए चलिए, तो यहां पे आईपीएल ने, यहां पे हम जब बात करने वाले हैं तो आईपीएल देखिए स्टार्ट होने वाला है 9 अप्रैल से और 31 मई तक चलेगा, और इस साल यहां पे आईपीएल की जो स्पॉन्सर पार्टनरशिप है वो मिल रही है टाटा सफारी को। आपको पता होना चाहिए आईपीएल के बारे में कि आईपीएल यहां पे देखिए खेला जाने वाला एक यहां पे इनसाइड मैच है, जिसके अंदर यहां पे हम जब बात करते हैं बहुत सारे प्लेयर्स हैं अदर कंट्री से जो भारत में शामिल हो, और बीसीसीआई के द्वारा से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनेशन बन सकते हैं। सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल्स जीते हैं मुंबई इंडियंस ने 5, 13 में, 15 में, 17 में, 19 में, 20 में। ये आपसे एग्जामिनेशन क्वेश्चन हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसने पहला पीएफओ पोर्टल जारी किया है। यस, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। यस, उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने किसानों की वृद्धि के लिए यहाँ पे भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने किसानों को सीधे यहाँ पे मंडी से जोड़ने के लिए और किसानों को फसलों को सही दाम दिलाने के लिए एक पोर्टल जारी किया है, और यहाँ पे यूपी पीएफओ पोर्टल जो शक्ति पोर्टल है वो जारी किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने लॉन्च किया है यूपी पीएफओ शक्ति पोर्टल टू सपोर्ट फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कितने आयुष्मान कार्ड जारी करके एक नया जो रिकॉर्ड है, जो नया कीर्तिमान है वो स्थापित किया गया है। तो यहां पर मेरे साथियों मैं बता दूं कि यहां पे 10 करोड़ यहां पे जो आयुष्मान कार्ड है वो लॉन्च किए जा चुके हैं। यस, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे 10 करोड़ का जो आयुष्मान कार्ड है वो जारी किया गया इरफान अली को, जो पढ़ते हैं गोपालगंज जिले से बिहार में, और ये जो योजना है ये आती है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर, ये जो कार्ड है डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो देखिए मेरे पास ऑल इंडिया रेडियो का एक पूरा का पूरा आर्टिकल है जिसमें कह रहे हैं कि 10 करोड़ आयुष्मान कार्ड हैंडर्स ओवर टू बेनिफिशियरी, एंड ये जो बेनिफिशियरी वो कहां से है, बिहार से है। तो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जो आयुष्मान भारत के सीईओ है जिनका नाम है डॉक्टर राम सेवक शर्मा जी, तो उन्होंने इसे बहुत बड़ा अचीवमेंट बनाया, और बता दूं कि इनका ये कहना भी है कि हम यहाँ पे लगातार प्रतिबद्ध है इस चीज को करने के लिए, हो सकता है कि अगले साल यानी कि 2022 तक ये बेनिफिशियरीज की जो संख्या है वो यहाँ पे 20 करोड़ को टच कर जाए। तो भारत बहुत आगे बढ़ चुका है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। चलिए अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा। अच्छा, आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो आयुष्मान भारत की हम बात करते हैं, तो 70,000 से ज्यादा जो स्वास्थ्य केंद्र है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं, और ये अपने आप में बहुत अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है। जो 31 मार्च को जो यहाँ पे चीजें हमें प्राप्त करनी थी, हमने उसे पहले ही प्राप्त कर लिया। तो भारत में 70,000 से ज्यादा यहाँ पे आयुष्मान भारत जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं, और ये सारे के सारे एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिन है। आपको बता दूं जो आयुष्मान भारत योजना है ये भारत की सबसे बड़ी नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, जिसे लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 को, और इस योजना का जो नाम है ये बदल दिया गया है और नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, असम राइफल्स भारत की और म्यांमार की सीमा की सुरक्षा की जा रही है असम राइफल्स के द्वारा। और मैं बता दूं कि ये भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है असम राइफल्स। और अभी असम राइफल्स ने 186 जो रेजिंग डे है वो हमने सेलिब्रेट किया है। आप देख पाएंगे कि जो यहाँ पे असम राइफल्स के जो डीजी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप संगवान जी, तो उन्होंने एक ऑफिशियल ट्वीट किया है कि उन्होंने 186वां जो रेजिंग डे है, जो ग्लोरियस ईयर्स हैं, वो सेलिब्रेट किए हैं असम राइफल्स के। आपको बता दूं कि असम राइफल्स ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई थी, ये 1835 में बनी है। और बता दूं कि इसने भी 186वां रेजिंग डे बनाया है। और इससे पहले यहाँ पे कछार लेवी के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम यहाँ पे असम राइफल्स कर दिया गया है। और खासकर इंडो म्यांमार सीमा और थोड़ा बहुत जो कह सकते हैं मिजोरम की जो सीमा है वहाँ पर ये काम करती है, वहाँ पे यह पोस्टेड है, पोस्टेड कह सकते हैं या डिप्लॉयड रहते हैं ये लोग। चलो, तो असम राइफल्स है, शिलोंग में इसकी यहाँ पे हेडक्वार्टर है। और 1835 में इसे बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम डिफेंस के अंदर, होम मिनिस्ट्री और डिफेंस के अंदर में काम करती है, गवर्निंग बॉडीज भी है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भोपाल के, वैसे ये नेशनल लेवल क्वेश्चन है लेकिन आपको बता दूं कि रीजनल लेवल पे इसे ज्यादा कवर किया जाएगा। तो भोपाल के दो शूटर्स हैं जिनका नाम है ऐश्वर्य प्रताप तोमर और चिंकी यादव। उन्होंने अभी हाल ही में जो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है इसमें कौन सा मेडल ग्रैब किया है? तो इसका सही आंसर है गोल्ड मेडल। यस, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको बता दूं कि चिंकी यादव ने गोल्ड जीता है, रानी सरनो भट्ट ने जीता है सिल्वर, और मनु भास्कर ने जीता है यहाँ पे कौन सा ब्रॉन्ज मेडल। यस, और ये तीनों के तीनों ने जीता है 25 मीटर पिस्टल में वुमेन्स के अंदर ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में जो आयोजित किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। इसी प्रकार से बता दूं कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने यहाँ पे जीता है मेंस में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट्स में, और ये भी कहाँ पर है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि इस साल जो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप है उसमें जो मेडल टैली की हम बात करते हैं तो इंडिया टॉप पोजीशन पर है, जिसमें 9 गोल्ड मेडल्स को ग्रैब किया है विद अ टोटल ऑफ 19 मेडल्स। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक आर्टिस्ट हैं जो भी इनका हाल ही में निधन हुआ, जिनका नाम क्या है? तो मैं बता दूं मेरे साथियों, इनका नाम है ललिता जी। यस, तो ललिता जी का भी हाल ही में देखिए यहाँ पे निधन हो गया है ड्यू टू द कार्डिक अरेस्ट। और ये हैदराबाद की थी ललिता जी, और बहुत ही फेमस यहाँ पे शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं जो मानी गई हैं। आपको बता दूं कि कर्नाटका और हैदराबाद की बहुत ही फेमस यहाँ पे मानी गई हैं विदुषी बी ललिता जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अभी हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे डेटा सेवर पोर्टल का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? तो ये किया गया डॉक्टर एम राजीवन के द्वारा। यस, तो अभी भारत के अंदर जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो भारतीय मौसम विभाग है, उसने यहाँ पे एक प्रकार का यहाँ पे वेब पोर्टल और एक डाटा पोर्टल को जारी किया है। और इसे जारी किया है एम राजीवन ने, जो सेक्रेटरी है इन द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और यहाँ पे मैं बता दूं कि इनका ये लॉन्च करने का कारण ये है ताकि भारत के अंदर जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे जानकारी ले सके कि किस प्रकार से भारत की जलवायु लगातार परिवर्तित हो रही है, लगातार बदल रही है, और यहाँ पे मौसम विभाग के अंदर होने वाले जितने भी यहाँ पे अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुँच सके। तो मौसम विभाग चाहता है कि लोग भी अवेयर बने अपने मौसम को लेकर। देखिए, बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो रही हैं, बहुत सारे क्लाइमेटिक डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कभी मान के चलिए कि ये अगर अवेयरनेस फैलेगी लोगों के अंदर, तो हो सकता है कि यहाँ पे लोग जानकार बने कि हो सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पर उनको बरसात का सामना करना पड़े या कोई तूफान आने वाला हो, तो इन सबकी जानकारी के लिए लोग अवेयर रहेंगे इस पोर्टल के द्वारा। चलो, तो जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये फाउंडेड किया गया था 1875 में। और आपको बता दूं कि ये पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसके वर्तमान में जो यहाँ पे CEO कह दीजिए वो है डॉक्टर एम मोहपात्रा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में किस इंडियन वुमेन प्लेयर को पहला स्थान दिया गया है ICC T20 रैंकिंग के अंदर? तो आंसर है शेफाली वर्मा। यस, तो शेफाली वर्मा बिकेम्स द वर्ल्ड नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बेस्ट वुमेन। ओके, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे शेफाली वर्मा को T20 के अंदर यहाँ पे पहला स्थान मिला है T20 के अंदर वुमेन श्रेणी में, और विराट कोहली को मिला है शायद पहले पे। आप ये विराट कोहली का भी कंफर्म कर लेते हैं चलो एक बार। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ICC के द्वारा ये जो लिस्ट है वो जारी की गई है, और इसमें शेफाली वर्मा को पहला स्थान दिया गया है। चलिए, आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है कि इनमें से
ओके, यहां पे बहुत ही फेमस कंपोजर, यहां पे लेखक, कवि और वीणा वादक जिनका जन्म हुआ था 23 मार्च को, उनका नाम क्या है? आप इसका आंसर देंगे मुझे यहाँ पे मुत्तुस्वामी दीक्षितर, वीणा ई गायत्री, यहाँ पे करायकुंडी सुब्रमण्यम या फिर त्रिचि शंकरन। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे मेरे साथियों। चलिए, तो यदि आप क्रैक करना चाहते हैं एसएससी एग्जामिनेशन को इंडिया के सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के साथ में, तो अभी के अभी डाउनलोड कीजिए अन अकेडमी का लर्निंग ऐप अपने प्ले स्टोर या iOS से। वहां पर आपको मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट। लेकिन एसएससी का स्ट्रक्चर कोर्स को पाने के लिए अभी के अभी लीजिएगा एसएससी एग्जामिनेशन का सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये फीस पे ना कीजिए। यूज कोड HTSIR10 एंड सेव मनी। तो साथियों, एसएससी के सारी की सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए अभी के अभी यहाँ पे एसएससी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका नाम है एसएससी इंग्रेव। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, बहुत ही शानदार तरीके से हमने सारी की सारी बातें पढ़ी हैं। हम कल मिलेंगे 26 तारीख को बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।